कि 4/4/2022 को हमारी एक बस मंडो के पास एक्सीडेंट हुआ था। हमारे जांबाज चालक ने 30 जिंदगियों की जान बचाई। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने आज तक उस चालक की कोई सुध ना ली, ना उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी। सिर्फ HRTC की तरफ से उसे 25,000 रुपया दिया गया। ये बड़े दुख का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि तुरंत उस परिवार को 50 लाख की फौरी राहत दी जाए, ताकि उस परिवार का को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ मिले। उस ड्राइवर ने, मैं सल्यूट करता हूं पूरी HRTC के कर्मचारियों की ओर से उस चालक को, कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान गवाई और 30 लोगों की जान बचाई। अगर ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी माना कि अगर वो ड्राइवर उस बस को कहीं दूसरी ओर ले जाता तो नदी में बहुत भारी नुकसान जो वो होता, तो उस ड्राइवर की मैं दरियादिली को, उस ड्राइवर की सोच को मैं सल्यूट करता हूँ। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूँ कि उसके परिवार की, उसकी बीवी को, पीछे वो अपनी एक दो माँ की बेटी, 5 साल का बेटा, एक माँ उसको छोड़ के गया है, तो उसकी पत्नी को तुरंत एक विदिन वन मंथ के अंदर अंदर नौकरी दी जाए, ताकि उसका परिवार जो है वो अच्छे से जी सके। उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का माध्यम कि आज 7 तारीख होगी, लेकिन सैलरी का कोई अता पता नहीं। हमें दुख के साथ, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का कर्मचारी उस ड्राइवर की, नंद किशोर की सहायता करना चाहता था, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, कहां से सहायता करेगा। तो बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूं माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी को, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी को, कि इसकी ओर सोचें, अन्यथा कर्मचारी वर्ग जो है भारी रोष में है। जब ये रोष बाहर निकलेगा तो इसका क्या होगा वो जाने। उसके बाद बात आती है बसों की। आज की डेट में बसों की वो दयनीय स्थिति है कि हर जगह जगह ये बसें खड़ी हैं। मैं इसका ताजा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक बैरागढ़ चंबा डिपू की बैरागढ़ शिमला बस आती है, आज 3 दिनों से सोगी में खड़ी है, उसके कोई सुध नहीं ली जा रही, ना उस गाड़ी का कोई काम हो रहा है। हमारा ड्राइवर कंडक्टर जो सोगी में बैठा हुआ है, दिन रात भूखे प्यासे वहां खड़ा है, लेकिन HRTC का ना प्रबंधन, ना कोई उनके पास, ना कोई RM, ना कोई TM, कोई देखने की सुध नहीं लेता है। हमारा कर्मचारी, खासकर ड्राइवर कंडक्टर जो है, बिल्कुल परेशानी में है। और परेशानी की वजह से क्या होगा, हिमाचल की जनता के साथ ये प्रबंधन और सरकार क्या करना चाहती है, इसके बारे में मैं कुछ ना बताऊंगा, ये आप भी, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी पता चलेगा। और आज की स्थिति जो है, वर्कशॉप में एक नट बोल्ट तक नहीं मिल रहा, बड़े दुख की बात है। वर्कशॉपों में मैकेनिक नहीं है, कैसे इस HRTC को चलाया जाएगा। पिछले कल आपने एक बाकिया देखा होगा कि हमारी गाड़ी लेट थी और एक प्राइवेट बस वाले ने हमारी गाड़ी से सवारियां उतारी और ड्राइवर कंडक्टर को गाड़ियां दी। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, न 3 नंबर के रीजनल मैनेजर कौन है, उन्होंने इसमें संज्ञान लिया, न किसी ने उनके पक्ष में कोई बात कही। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि अगर बसें चलानी है तो टाइम टेबल लीजिए, अगर नहीं चलानी है तो उनको खड़ा रखिए। और आज मैं ये घोषणा करता हूँ ड्राइवर यूनियन का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते कि अगर ऐसा हुआ तो हम बसें बिल्कुल उस रूट पे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमने अपने ड्राइवर नेटवर्क को मरवाना नहीं है। और मैं आज ये आपके चैनल के माध्यम से बार बार मैं ये विनती करता हूँ सरकार से, प्रबंधन से, कि सुबह रहते जागे कम से कम सैलरी तो टाइम से दे, कहाँ से हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, कैसे। अभी बच्चों की एडमिशनें होने को है, आज हमारा कर्मचारी, मेरे को दुख इस बात का होता है कि हमने लोकल यूनिट से, मैं अपने लोकल यूनिट के सभी ड्राइवर कंडक्टर भाइयों को मैं सलाम करता हूं दिल से, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि जिन्होंने 500, 300, 5,000 रुपया इकट्ठा करके 55,000 रुपया जो है नंद किशोर के घर जाके दिया। उसके बाद PGI में हमारा निशांत कंडक्टर जो है, उसके पास रात को जाके 25,000 रुपये की हमने आर्थिक सहायता दी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकार ने, इवन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी उधर हॉस्पिटल में जाके जो घायल हुए थे उनका कुशल क्षेम पूछा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी सिर्फ ये कहा कि जो भी सरकार की तरफ से होगा वो दिया जाएगा। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 1 या 2 साल पहले नकली शराब पीने से कुछ लोगों को 5
इस जांबाज ड्राइवर की वजह से 30 जिंदगियां जिस ड्राइवर ने बचाई उसके लिए कुछ नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कम से कम 50 लाख उसको मुआवजा और उसको सम्मानित किया जाए, उसकी बीवी को वन मंथ के अंदर अंदर नौकरी दी जाए ताकि वो परिवार जो है वो सही तरीके से अपना भरण पोषण करे।